register now. Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Digital Physics at Vedantu. कैसे चल रही मेरी बच्चों की जिंदगी? People, आज का session and study solutions का बहुत ही ज्यादा important है, क्योंकि question number 10, 11 और 12 करने वाले हम light chapter की exercise है. Light chapter की exercise है, question number 10, 11 and 12 करने वाले, और ये सारे questions जो हैं, numerical based हैं. लेंस के न्यूमेरिकल्स भी है, मिरर्स के न्यूमेरिकल्स भी है, अलॉन्ग विथ रे डायग्राम्स. तो ये प्रॉपर 3 मार्क्स का सवाल है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. इसी टाइप के सवाल आते भी एग्जामिनेशन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग अटमोस्ट इन टुडेज सेशन, ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको हमारे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स समझने हैं डिटेल में हर एक टॉपिक से रिलेटेड, व्हेन इट कम्स टू लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन के हो, रिफ्रैक्शन के हो, मिरर्स के हो, लेंसेज के हो, रिफ्रैक्टिवनेस के हो, किसी के भी हो, यू कैन वॉच अवर एंटायर प्लेलिस्ट. 18 सेशन का मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, ये सिर्फ देख लो बस हो जाएगा, काफी है. Chill, understand, it's काफी है, गारंटी से कह रहा हूं मैं, है ना. सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस सेशन. नाउ इफ इन केस फॉर द फाइनल फ्यू मंथ्स, इफ इन केस यू वांट टू जॉइन अस फॉर मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर मोर अमाउंट ऑफ इंटेंट, फॉर यू नो 100% गारंटी की भाई 95+ आपको मिल सकता है. इफ यू वॉन्ट टू पुश योर सेल्फ देन यू आर एट द राइट प्लेस पीपल. यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद अनलिमिटेड क्लास doubt solving, in class doubt solving. You will have the option of downloading your own notes along with the handwritten notes of the teachers, because for this particular time that is golden. You will be participating in quizzes in every single session along with the students throughout the world. The best way to actually understand where you are standing right now with more and more amazing features, people. Just go on to the link in the descriptions below or in the pinned comment. And if in case you, I'm pretty sure you'll enjoy the website, and if in case you do, make sure that you hit the coupon code AKPRO to avail the benefits of that. ठीक है, ये चलते हैं हम सीधा हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही क्यूट सा सवाल है ये. देखो ध्यान से. An object 5 cm in length. ठीक है भाई. भाई जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना हमारे अपने, क्या कहते हैं इसको, प्यार से क्या कहते हैं इसे हम, ना मुन्ना ना, यह क्या हो गया, अरे अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हो गया, और क्या चाहिए. एक मिनट बच्चों. सही, ठीक है, वापस आ गया. तो यहाँ पे है ये सवाल बहुत ही ज्यादा इजी, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है. तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो रे डायग्राम्स, और व्हेन इट कम्स डाउन टू मिरर के या तो लेंसेस के न्यूमेरिकल्स, मैं हमेशा गिवन थिंग्स लिखता हूँ, साथ ही साथ में मैं रे डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि रे डायग्राम आ जाता है सामने तो क्लैरिटी मिल जाती है क्या आंसर आना चाहिए. पता है मैं, आपने बताया आपको वेरीफिकेशन मेथड मैंने बताया था आपको हमारे रेगुलर सेशन में, देख लेना एक बार, ठीक है. ओके, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू एस 5 cm. ओके, आगे क्या बताओ भाई. इन लेंथ इज हेल्ड 25 cm अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. सही बात है भाई, कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. व्हाट डू यू हैव is a convex lens. See, optical center ho gaya. This is your F1, this is your 2F1, this is your F2, and this is your 2F2. Toh aapko ye diya gaya hai ki bhai kahan pe bana hai? In length is held 25 cm away from a converging lens. Yani ki aapka jo object distance hai wo 25 cm. Theek hai. Focal length kitna hai? Focal length 10 cm. To bhai agar aapka focal length 10 cm hai, yani ki F1 aur F2 10 pe hai, 2F1, 2F2 कहाँ पे होंगे, उसके डबल पे, इसलिए उसका नंबर नाम ही 2F1, 2F2 है ना. तो ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे. शाबाश. तो यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और 2F1 20 पे है, तो ये तो जाहिर सी बात है. दिस इज आई थिंक दिस इज सो डैम इजी एंड सो डैम टू यू नो अंडरस्टैंडेबल टू यू नो कि 25 सेंटीमीटर 20 से ज्यादा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर श्योर आपका 2F1 के पीछे होगा, फॉर श्योर, है ना. 25 सेंटीमीटर 20 से ज्यादा होता है तो पीछे ही होगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज योर 25 सेंटीमीटर. तो भाई क्वेश्चन में आगे पढ़ने से पहले आई थिंक हम इसी इंफॉर्मेशन से ऑब्जेक्ट कहां बने, इमेज कहां बनेगा तो निकाल ही सकते हैं. कितना लड्डू सवाल हो गया है. इफ माई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड टू, इफ माई ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1, माई इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, माई इमेज विल बी फॉर्म्ड, पीपल कर लेते हैं, रेडियोग्राम बना लेते हैं, देख लो ध्यान से. My image will be formed between F2 and 2F2. I'm pretty sure आप लोग जवाब दे रहे हो चैट पे, है कि नहीं, चैट पे जवाब दे रहे हो ना. सबसे पहले जिसने जवाब दिया तालियां, कमेंट से मुझे बताते रहना, ठीक है. सो इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि लेंस की इस तरह बना हुआ है. दूसरा आप देख सकते हो F2 और 2F2 के बीच में बना है. F2 10 पे है और 2F2 20 पे, यानी कि आपकी V की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी लेकिन 20 से कम होगी. देखो क्या पूछा है. ड्रॉ द रे डायग्राम, बना दिया, एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. नेचर क्या है, नेचर तो रियल इन्वर्टेड है, रेज अपने आप मीट हुई ना, रेज अपने आप मीट हुई तो रियल इन्वर्टेड है. साइज क्या होगा,
जब इमेज टू एफ टू और टू एफ टू के बीच में बनता है तो इमेज डिमिनिश्ड होता है ना, छोटा होता है. तो यानी कि आपका जो साइज है, हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर से कम होगा. डिमिनिश्ड है तो ऑब्जेक्ट से कम होगा. इतनी सारी चीजें पता चल गई मुझे बस ये रे डायग्राम बना के, जिसके लिए आपको मार्क्स भी मिल रहे हैं. एक मार्क आपको रे डायग्राम के मिलेगा, एक मार्क आपको पोजीशन और साइज के लिए मिलेगी, और नेचर के लिए आपको बाकी मार्क्स मिलेंगे, है ना. तो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया. चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं. निकालो वैल्यूज, लड्डू क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला डालो. लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u. निकालना 1 अपॉन b है व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, है ना. f कितना है आपके पास, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है भाई 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव 10, प्लस u आपको दिया हुआ है 25 तो माइनस 25. साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. अब निकालो माइनस 25 प्लस 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू माइनस 25. अरे रे रे, 5 3 5 5 मचा दिया आपने तो रेडिएटिव कैंसिल, 50 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकेट भी कर दिया. 50 डिवाइड बाय 3 समवेयर अबाउट 16.67 बार लग जाती है, 16.67 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू. मुझे पता था बी की वैल्यू 20 और 10 के बीच में आएगी, आ गई 16.67 20 और 10 के बीच में होता है भाई. सही जवाब है आपका, गारंटीडली सही जवाब है. देखा तो रे डायग्राम कितनी हेल्प करती है. अब निकालना है मुझे साइज. भाई साइज का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच इज ऑल्सो इक्वल टू बी अपॉन यू. ऑब्जेक्ट वी कितना है, 16.67 लेने वाले हो, गलती करोगे. डेसिमल में क्यों ले रहे हो, वहां पे जब कैलकुलेशन करनी है तो फ्रैक्शन को उठाओ, इजी पड़ेगा. 50/3 ठीक है, इंटू यू कितना है 25 माइनस इंटू एच 5 सेंटीमीटर. देखा कितना इजिली 25 और 50 कट जाएगा, अगर डेसिमल लेते तो फिर लग जाती है ना. तो अब आगे 10/3, सो एच डैश विल बी इक्वल टू 10/3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 3.33 विच इज डेफिनेटली लेसर देन 5. सही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एकदम सही बच्चों, कोई चिंता ही नहीं है, है कि नहीं. तो हमेशा रे डायग्राम बनाओ, उसके साथ स्टार्ट करो, क्योंकि फिर उसके बाद चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी एंड यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट. ठीक है, लेकिन उसके लिए रे डायग्राम्स आना जरूरी है, साइन कन्वेंशन आना जरूरी है. ठीक है, चलो पहला सवाल हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं. 16.67 राइट एंड 3.3 इज एब्सोल्युटली माइनस 3.3. हाँ, ये जो माइनस था मेरा छूट गया यहाँ पे, तो माइनस 3.3 सेंटीमीटर इज अ डैम करेक्ट आंसर. और रियल इन्वर्टेड इमेज है तो आपका एच डैश नेगेटिव आना चाहिए. ग्रेट जॉब पीपल, फैंटास्टिक. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में लेवल का. जैसे आपने देखा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, तो आप जो डाउनलोड करोगे नोट्स को, ए सोल्यूशन रहेंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस सेशन इफ इन केस इट्स नॉट देयर ऑलरेडी. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में लेवल को. लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन, ये तो आपको देखे समझ में आ गया होगा. देखते हैं क्या करना है. कॉनकेव लेंस है, इस बार कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है. जब भी कॉनकेव लेंस की बात आती है, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ था जो हमने सेशन से पढ़ा था, प्लेलिस्ट देख लेना, न्यूमेरिकल से कॉनकेव लेंस समझ में आ जाएगा. शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट था भाई वेद. कॉनकेव लेंस हमेशा, ये जो वेदांतु का वेद है ना, जो वेदांतु का वेद है ना, वेद याद रख लो, कॉनकेव लेंस की पूरी कुंडली समझ में आ जाएगी. वेद मीन्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. आपका कॉनकेव लेंस हमेशा आपको एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देता है, हमेशा. ठीक है, अब देखो तो कॉनकेव लेंस बना लो अभी जल्दी से. कॉनकेव लेंस बन गया, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर एफ वन. इसमें तो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आइडिया है हमें कि कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनती है. ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं बता सकता हूँ, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो. ठीक है, फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, चलो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है आपको. ऑब्जेक्ट कितने 10, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट, आपका इमेज कहाँ बनेगा. ये गया डाइवर्स हो गया, और ये गया, ये तो बिना डिविएशन निकल जाएगा, तो इसको मैं प्रोजेक्ट बैक करूंगा, देखो यहीं पे इंटरसेक्ट होगी, तो आपका इमेज हमेशा वहीं बनेगा. योर इमेज विल ऑलवेज बी लेसर देन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज विल ऑलवेज बी लेसर देन योर फोकल लेंथ, हमेशा. तो ये दो चीज आपको याद रखनी, कि इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेसर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेसर देन फोकल लेंथ, एक्सेप्ट इन वन केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी होती है, इमेज फोकस पे बनता है. At that time, image distance and focal length will be equal. वरना हमेशा this is what concave lens is gonna follow. तो आप इसका जल्दी से picture ले लो ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए. ठीक है, अब क्या बात है, How far is the object placed from the lens? ओहो, अच्छा, image दे, अरे बताओ, image दिए थे मैंने यहाँ पे, अरे मेरी मर्जी, मैंने यहाँ पे object बना दिया. But of course ही बात है यार, ये दिया हुआ है और object यही हो, ये follow होने वाली है, there is no difference in that, ये follow होने वाली है. तो यानी कि आपका जो image दिया हुआ है, आपका जो object distance भी आएगा ना, वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, फॉर श्योर देखते हैं. ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट. सो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है तो माइनस 15,
ठीक है, और इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वी विच इज माइनस 10, क्यों? क्योंकि भाई इमेज भी यही बनती है ना, लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, तो माइनस 10। अब निकालो यू, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, आपका लेंस फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन यू वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो वी कितना है, वी आपका है माइनस 10, फोकलन कितना है माइनस 15, सही। अब निकालो जवाब, माइनस 15 प्लस 10 इज माइनस 5, माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 10 इंटू माइनस 15, यानी कि 5 वन्स 5 थ्रीज नेगेटिव नेगेटिव के आंसर 30 सेंटीमीटर। आपको देखते हो यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव वैल्यू, देखा, तो यू इज ग्रेटर देन वी ना, फॉलोड, एब्सोल्युटली फॉलोड। नेक्स्ट क्या जवाब है, ड्रॉ दी डायग्राम बना दिया हमने, 30 सेंटीमीटर राइट आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट बच्चों। तो हमेशा ही जो छोटे से जो ट्रिक मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस चीज का फोटो ले लो, ये कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा काम आएगा, और ये सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी काम आएगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको पता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल मेरे ख्याल से कॉन्वेक्स मिरर का ही है, कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, कॉन्वेक्स मिरर भी सेम चीज अप्लाई होती है। ठीक है, वेन अप्लाई होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, इसमें भी वी विल बी लेस देन यू एंड वी विल बी लेस देन एंड इक्वल टू एफ, देख लेते हैं, देख लो। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि वी की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, अच्छा फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो वी की वैल्यू आपके 15 से कम या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, लड्डू सवाल, बताओ डायरेक्टली निकालो भाई, डायग्राम भी बनाने की जरूरत है इसको, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, बी निकालना है, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, निकालो एफ कितना है, फोकल लेंथ आपका 15, ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस 10, तो यहाँ पे माइनस माइनस ले लेना, भूल मत जाना, माइनस 10 माइनस 15 इज माइनस 25 बेटा, डिवाइड बाई माइनस 15 इंटू माइनस 10 कर लो, 5 थ्री जा 5 फाइव जा है ना, तो ये 5 वन जा ये 5 टू जा, negative negative cancel, so you have v is equal to minus 6 centimeter, है ना, minus 6, minus 6 is less than 10, minus 6 is less than 15, सही, negative आना चाहिए आपका answer, क्योंकि ये virtual image है, तो same side पे बन रहा है, हो गया, and nature of the image, virtually right, the negative sign indicates that the image is formed in front of the lens, indicating that it's a virtual image, minus 6 सही है जवाब, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल सही जवाब, minus 6 centimeter, ठीक है, ना, अगर आपको एक स्टेप आगे, ये अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आता है तो इतना कर लो काफी है, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का आ जाए तो दैट मींस इट्स आल्सो आस्किंग टू फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन, और उससे प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि नेचर क्या है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू, वी का माइनस 6 आ गया, यू आपका है माइनस 10, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.6, फिर आप यहां से भी लिख सकते हो पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स कि इट इज अ वर्चुअल इमेज, तो ये आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू कैन वेरी योर आंसर, है ना बच्चों, how easy was that, that's it I guess, ho gaya, yes, so we have done question number 9, 10, 11, in the next session we'll be continuing this exercise, so I'm pretty sure all of you guys enjoyed this session as well, people maza aaya na, kitne khatarnak kitne mast mast sawal the, so if in case you enjoyed that people, make sure that you hit the like button, share the video and subscribe to the channel right now, because aur bhi bahut sare amazing series aane wale hain, comment section mein mujhe batana ki aaj ka sabse favorite question kaun sa tha aapka, theek hai, batana mujhe zarur, milte hain next session mein. And do not forget to check out the link in the description and in the pinned comment. Definitely check that out. And my coupon code is AKPRO. Ultimately, the next time, people, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong.